आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखते हैं। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेडमेंट टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी मार्च अप्रैल 2023 में निकल के आई थी, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बड़ी भर्ती, जी हाँ बड़ी भर्ती, आप लोगों को पता होना चाहिए। मार्च अप्रैल में आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हुए, ऑनलाइन अप्लाई की डेट को बढ़ाया गया, एज में बेनिफिट मिला। काफी लंबे समय के बाद सीआरपीएफ ने इस वैकेंसी को निकाला, इस वजह से वैकेंसी बहुत ही अच्छी रही। 9000 प्लस वैकेंसी थी और ये मान के चलिए अभी भी वैकेंसी कम नहीं है। 8700 प्लस आप लोग की पोस्ट है। लगभग सभी स्टेप यहाँ पे फिनिश करा लिए गए हैं। लगभग कहने का क्या तात्पर्य, जी हाँ सभी स्टेप आप लोग के यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। रिटर्न आप लोग का हो चुका है, रिटर्न के बाद आप लोग का फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे स्टेप फिनिश हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट का वेट है और फाइनल रिजल्ट जैसे ही आप लोग का आएगा ये भर्ती पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। जी हाँ ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को मिल जाएगा। यदि आप लोग सेलेक्टेड हैं, बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को मिलेगा और ज्वाइनिंग लेटर के बाद आप लोग को जहां भी जैसे भी जिस समय बुलाया जाएगा आप लोग को ट्रेनिंग के लिए पहुंचना होगा। तो बहुत ही बड़ी भर्ती है, इस वजह से बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी हाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी तक सर आपने पूरी पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई, फिर चाहे रिटर्न रहा हो, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, फाइनल रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकल के आ रही? सर डेट बताइए। सर ट्विटर कैंपेन चलाया जाए या कुछ और किया जाए, देखिए मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है किसी भी प्रकार से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग शेड्यूल बता दिया है और ट्रेनिंग शेड्यूल यदि आपको दिखा दिया गया है तो आपको वेट करना होगा किसी और कदम को उठाने से पहले। जी हाँ ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोग को दिया गया है जिसमें कि अक्टूबर का मंथ आप लोग को बताया गया है और जैसे जैसे आपके सेंटर्स, जैसे जैसे आपकी पोस्ट होगी उसके अनुसार आपको आपका जो है ट्रेनिंग का जो है टाइमिंग रहेगा। तो अभी आप लोग का जो है ट्रेनिंग शेड्यूल अक्टूबर की डेट है, अभी अक्टूबर आपकी फिनिश नहीं हुई है और मैंने आप लोगों से यही कहा कि थोड़ा सा वेट आप लोग और कीजिए। जी हाँ थोड़ा सा वेट और कीजिए, अक्टूबर को जाने दीजिए, सब कुछ आप लोग का अक्टूबर में होगा और यदि अक्टूबर में कुछ नहीं होता तो इसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा और कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती। जी हाँ किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आ रही थी कि आपके जो है ट्रेनिंग शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया गया है या कोई अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये कंफर्म था कि आपका रिजल्ट आना है यानी कि आप लोग का सिलेक्शन होना है, बस कुछ दिन और वेट आप लोग को करना है। अभी मैंने आप लोग को 13 अक्टूबर 2024 में विद प्रूफ रोजगार मेले की जानकारी भी दे दी। जी हाँ रोजगार मेले की जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी लेकिन वो डेट पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थी। अक्टूबर में ही ट्रेनिंग रोजगार मेले का समय निकल के आ रहा था लेकिन जो एक नोटिस में जो डेट निकल के आती है वो डेट निकल के नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने विद नोटिस आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कर दी है कि रोजगार मेला आप लोग का हो रहा है। रोजगार मेले के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। रोजगार मेले में आप लोग को प्रीवियस में भी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिए गए हैं, जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह रोजगार मेले में दिया था। इसी प्रकार से अभी जो आप लोग का रोजगार मेला होने वाला है ये मैंने आप लोग को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है। यहाँ पे 29 अक्टूबर 2024 विद प्रूफ पूरा नोटिस मैंने आप लोग को बता दिया। ऑल ओवर इंडिया आप लोग के सेंटर्स हैं और कहाँ कहाँ सेंटर है वो सारा कुछ मैंने आप लोग को दिखाया है, पूरी तरीके से क्लियर किया है। तो नोटिस यानी कि पीडीएफ में जो आप लोग की डेट निकल के आ गई है वो 29 अक्टूबर 2024 की डेट निकल के आ गई है और पूरी पूरी जानकारी आप लोग को दी कि इसी रोजगार मेले में आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। जी आपका ज्वाइनिंग लेटर इसी रोजगार मेले में मिलना चाहिए क्योंकि अभी आपके ट्रेनिंग शेड्यूल को चेंज नहीं किया गया है तो ये रोजगार मेला आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ इसी रोजगार मेले में आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। रिजल्ट की डेट अभी भी क्लियर नहीं है, इस वजह से मैं आपके रिजल्ट की जानकारी नहीं दे सकता हूं और ना ही मुझे अभी भी रिजल्ट की जानकारी देखो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं क्योंकि विभाग से रिजल्ट की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही कि आज रिजल्ट अपलोड करना है, कल करना है, परसों करना है, ऐसी कोई डेट नहीं है। लेकिन रोजगार मेले की जानकारी आ गई है और रोजगार मेले जो सेंटर्स हैं वहां से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है
और अभी जो विभाग से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखिए मैंने आप लोग को जानकारी दे दी रोजगार मेले के माध्यम से कि आप लोग को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। जी हाँ, लगातार दूसरा वीडियो है। मैं आपको कंफर्म कर दूं, यहाँ पे रिजल्ट का वेट मत कीजिए। जी हाँ, रिजल्ट का वेट मत कीजिए। रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन इसी वजह से नहीं आ रही है क्योंकि हो सकता है आपका रिजल्ट देखने को ना मिले। जी ऐसा भी हो सकता है कि रोजगार मेले तक आप लोगों को जो है आपका रिजल्ट देखने को ना मिले, लेकिन जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, जी हाँ जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, रिजल्ट वगैरह ओके है, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको मैसेजेस के माध्यम से, मेल के माध्यम से यहाँ पे सूचित किया जाएगा। जी हाँ, मैसेज और मेल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है, आपका सिलेक्शन है, आपको मेल और मैसेज आएगा कि इस रोजगार मेले में आपको पहुंचना है, यहाँ पे आप लोग को पहुंचना है। जी हाँ, यही इन्फॉर्मेशन आ रही है, यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। रिजल्ट की डेट अभी भी क्लियर नहीं है। रिजल्ट की डेट में आप लोग क्लियर कर दूं, अभी भी रिजल्ट की कोई डेट क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन यही आ रही है यदि आप सिलेक्टेड हैं। जी हाँ, विभाग का जो डाटा जो विभाग के पास है उसमें आपका लिस्ट में नाम है, उस रिकॉर्ड में आपका नाम है, आपको मैसेज मेल आ सकता है और आपको भाग लेना होगा। जहां भी आप लोगों को रोजगार मेले में बुलाया जाएगा वहां पे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। जी हाँ, अब बच्चे कहेंगे सर मेल मैसेज कब तक आएगा? देखिए मेल मैसेज की कोई डेट नहीं है। मेल मैसेज 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले किसी भी प्रकार से सेंड किया जा सकता है, और ऐसा नहीं कि सभी को मेल और मैसेज किया जाए। हो सकता है किसी सेंटर पे रोजगार मेले में 100 बच्चों को बुलाया गया, 50 बच्चों को बुलाया गया, 200 बच्चों को बुलाया गया, तो किसी भी तरीके से मीन्स जो खाना पूर्ति है वो करनी है, यहाँ पे रोजगार मेले में बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देना है। अब आपका रिजल्ट किस तरीके से अपलोड किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि इसी रोजगार मेले में आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले, आपको मेल और मैसेज के माध्यम से सूचित किया जा सकता है आप लोगों को, आप सभी को या आप में से कुछ बच्चों को रोजगार मेले में बुलाया जा सकता है और ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो जब कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा तो बाकी बच्चों को भी मेल और मैसेज आने वाले समय में या फिर रिजल्ट के साथ जैसे भी होगा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अब जो समय था बिल्कुल सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फाइनल हो चुका है। जी हाँ, फाइनल हो चुका है। अब आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर, जी हाँ बिल्कुल डायरेक्ट अब आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और आप लोग भी ट्रेनिंग के लिए अपने अपने सेंटरों पे पहुंचेंगे। यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। सर ने जो जानकारी दी है, सर जो जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल रियल जानकारी दे रहे हैं, और इसी प्रकार की इंपोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोगों तक। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।